हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से झूठ और मक्कारी से भरे लोगों को बेनकाब करता रहता हूं, जो कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। तो प्लीज हमारे चैनल को अपना कीमती सपोर्ट देते रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुझे बताया कि राहील शरीफ अभी नया नया बना था अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसने कहा कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर शहजाद साहब, मैं आज नाम ले रहा हूं उनका, ये कराची में होते हैं और ये बड़े वली आदमी हैं, तो इन्होंने एक ख्वाब देखा है। अच्छा, पर ये तो हर पाकिस्तानी का पार्ट टाइम जॉब है, तू आगे बोल। उन्होंने एक कर्नल होते थे और रेजिमेंट ब्लोच रेजिमेंट में, उनके पास आए थे, उनके वो मौत के थे, मैंने एक ख्वाब देखा है। तुम सारे पाकिस्तानी एक तो ख्वाब बहुत देखते हो, और पता नहीं क्यों तुम्हारा सारा का सारा ख्वाब सिर्फ पाक आर्मी के अपीजमेंट और गजवाए हिंद के बारे में ही होता है। तुम्हारे खुदा को पता नहीं क्यों आर्मी के अलावा 22 करोड़ आवाम और खुद एज ए मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की कभी कोई फिक्र ही नहीं होती। हाँ, होगी भी कैसे, क्योंकि तुम्हारा खुदा तो खुद ही पाक आर्मी का गुलाम है, और आर्मी खुदा को जैसा स्क्रिप्ट देता है वैसा ही खुदा तुम लोगों को ख्वाब दिखाता है। अबे साले, जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी दरबार है, तो हजरत उमर जो है वो एक शख्स को लेके आए हैं जिसका नाम बाजवा है, उसके हाथ में कोई फाइल देना चाहते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से लेता है, तो हजरत उमर उसके हाथ पे मारते हैं कि सीधा हाथ आगे करो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। वाह, मेरे भोसड़ी वाले चाचा ने क्या बात कही, खुदा को सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ से फाइल लेने की इतनी फिक्र, और उसी बाजवा के सीधे के बजाय सिर्फ गलत और उल्टे काम करने का जरा भी फिक्र नहीं। और एक मिनट मेरे भाई, खुदा कौन सी फाइल बढ़ा रहा था? हाँ, शायद उसमें गजवाए हिंद का ब्लूप्रिंट होगा, पर वो फाइल की जगह कोई मेमोरी कार्ड या पेंटर भी तो दे सकते थे ना। खैर, मुझे क्या, खुदा की खुदा ही जाने। तो मुझे लगता है कि वो जनरल बाजवा को फाइल उसको दी गई। चुप कर रहे कुत्ते। भाई वाह, जब दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान में आर्मी का बूट चाटे बगैर किसी का सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं, तो तुम लोग तो मानते ही नहीं थे। अब इससे भरा क्या सबूत होगा, तुम्हें आर्मी का लॉलीपॉप चूसना था तो तुम चूसते और लुफ्तंदोज होते। साले, खुदा को बीच में क्यों लाते हो? तुमने एक अय्याश, शराबी और लड़कीबाज को खुदा का आदमी बताकर खुदा को भी उसी के कैटेगरी में ला खड़ा किया, पता है तुम्हें? खैर, तुम्हें ज्यादा पता होगा, अब जब तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। चलो मान लिया, तेरा खुदा भी इसी कैटेगरी का है। तो इतनी सी बात है, मुझे बताओ कौन से कौन है बाजवा? उन्होंने कहा जी बाजवा, तीन बाजवा हैं इस वक्त फौज में। तो सबकी तस्वीरें निकाल के उनको प्रोफेसर साहब को दिखाई गई। ये बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने से 4 साल पहले की बात है। अच्छा, ख्वाब 4 साल पहले का। अच्छा, चुतिया साला कुछ भी बोलता है मादरचोद, अक्कल नाम की जितने गांडू लोग तुम लोग को आज मादरचोद भेनचोद। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? बाजवा के आर्मी चीफ बनने के 4 साल पहले? तो भोसड़ी के तू ये कहानी आर्मी चीफ बनने के इतने साल बाद क्यों सुना रहा है? हाँ, तुझे इस कहानी का स्क्रिप्ट भी तो बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद ही मिला होगा ना। सॉरी, माई मिस्टेक। राहील शरीफ उस वक्त, मैं पूरा वाकस सुनाता हूँ। तो उसपे हुआ ये, उन्होंने कहा ये बाजवा है, ये मैंने देखा ख्वाब में। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने उस वहां पर कर्नल हेडक्वार्टर था कराची का, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आते रहते हैं, चूंकि यहां पर हैं उसको लेफ्टिनेंट जनरल, तो कभी इनकी मुलाकात ही करा दो खामोशी। तो कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर शहजाद को बाजवा साहब के साथ मुलाकात करवाई। तो उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने कि आपने ये ख्वाब मैंने देखा है, तो उन्होंने कहा इससे आप क्या मतलब लेते हैं? उनका मतलब यह है कि जो फौज है ना पाकिस्तान की, वो एक बेसिकली कस्टोडियन है छोटी सी, तो शायद आपको जिम्मेदारी, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएं। तो बाजवा साहब खिलखिला के हंसे। अपने अनपर और कम अकल आवाम को हर वक्त बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी झूठी कहानियां सुनाते रहते हो। मुल्क तो इसी चक्कर में बर्बाद हो गया। आखिर क्यों जिन लोगों ने मुल्क को लूटा और बर्बाद किया, तुम लोग हर वक्त उसी का हारमोनियम बजाते रहते हो? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे, अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं,
अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले कहते हैं मेरे ऊपर ये बलार बंदा है, ये बंदा है, मैं चौथे नंबर पे आता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता और मेरा तो कोई सिफारिशी भी नहीं है। तो हुआ ये कि वो कह के चले गए। तो लेकिन चूंकि ये खबर उड़ रही थी तो फौज को, उनको प्रोफेसर साहब को एजेंसियों ने उठा लिया। अच्छा। और उनकी इतनी कुटल गई कि बेचारे पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग गए और वो नहीं आए। उसके बाद 3 साल के बाद भाजपा साहब जो है चीफ उमर भी साहब हो गए। अबे साले साला कुछ भी बोलता है मादर चोत, अक्कल नाम की चीज है गांडू लोग, तुम लोग मादर चोत।